वेलकम बैक टू माई चैनल. आई एम शिवानी, फोर्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया. एंड ऑटम हैज स्टार्टेड, तो मैं आज आपको बताऊंगी कि ऑटम में रशिया कैसा लगता है और आपको दिखाऊंगी कि पूरे दिन में मैं क्या करती हूँ यहाँ पे एज अ मेडिकल स्टूडेंट. मेरी क्या क्लासेस होती हैं, क्या शेड्यूल होता है, क्या खाती पीती हूँ, सब कुछ आपको इस व्लॉग में दिखेगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो मेरी पहली क्लास रेडियोलॉजी की थी, तो मैं यूनिवर्सिटी पहुँच चुकी हूँ वो अटेंड करने. और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ों के पत्तियों का रंग पूरा बदल चुका है. इतने सारे पत्ते नीचे गिर चुके हैं. फॉल में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है. पहले सिर्फ मूवीज़ में देखा करती थी, अब रियल लाइफ में देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है. और फिर मेरी रेडियो की क्लास हुई, उसके बाद मेरी फिज़िकल ट्रेनिंग की क्लास थी, तो मैं अपने पी ब्लॉक में आ गई, यानी जो कि हमारा स्पोर्ट्स वाला ब्लॉक है. और यहाँ पर भी इतने सुंदर सुंदर पेड़ थे, और देखिए कितना ज़्यादा सुंदर है ये. फिर क्लास ख़त्म हो गई तो मैं अपने फ्रेंड्स का वेट कर रही थी ताकि हम सब मिलके साथ में जाएं. और देखिए यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स भी अपने क्लास से आ रहे थे. फिर हम कैंटीन गए और हमने आइसक्रीम खाई. पता नहीं ठंडी थी, लेकिन ठंड के मौसम में भी आइसक्रीम अच्छी लगती है. फिर घर जाके मैंने अपना लंच बनाया. बारिश का मौसम था तो मैंने सोचा कढ़ी बनाते हैं, क्योंकि कढ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. और ये मैंने आलू की कढ़ी बनाई, पकौड़े की नहीं, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी. फिर रोटियाँ भी बनाई इसके साथ, और अपना लंच खाकर थोड़ी देर आराम किया. फिर शाम को हम बोटिंग करने चले गए, क्योंकि थोड़े दिनों में विंटर्स आ जाएंगे, स्नोफॉल हो जाएगी, और ये जो आपको नदी दिख रही है ये पूरी जम जाती है, क्योंकि यहाँ पे -35 से -40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, तो ये पूरी की पूरी आइस की बन जाती है. मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में भी दिखाऊँगी. उसके बाद हमने डिसाइड किया कि डिनर आज बाहर करेंगे, तो फिर मैंने वेज शॉर्मा बनवाया और फिर उसे कोल्ड ड्रिंक के साथ इंजॉय किया. तो ठीक ठीक था शॉर्मा. वैसे मुझे बाहर खाना इतना पसंद नहीं है, क्योंकि वेज में कुछ मिलता भी नहीं ज़्यादा. उसके बाद नदी के किनारे थोड़ी देर बैठे और फिर घर चले गए. तो यही था आज की वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.